अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड प्लाजा। आज की रेसिपी है चिकन पराठा रोल। तो इस यमी सी रेसिपी के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। मेरे चैनल पे नए मेहमान हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फीडबैक्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो चिकन है, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून चाट मसाला और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके इसको 1 घंटे के लिए, आधे से 1 घंटे के लिए कम से कम रख दें। और इसमें आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। आटा गूंदने के लिए आधा किलो मैदा ले लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 और आधा टीस्पून ऐड करेंगे शक्कर और इसमें 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे ऑयल और पहले इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीनों चीज़ों को। फिर उसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे दूध, आप इसको पानी से भी गूंद सकते हैं। और इसको सेमी सॉफ्ट आटा गूंदना है, ना ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही ज़्यादा कड़क गूंदना है इसको। और थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके आटा गूंद लेंगे। 200 ml दूध लगा है इसमें कम आधा किलो में। और इसमें ऊपर से ऐड कर देंगे, लगा देंगे थोड़ा सी ऑयल और इसको 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए इसको अलग रख देंगे। सैलेड के लिए ले लेंगे कांदा, कांदे को लंबा लंबा मैंने कट कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे पुदीना, इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून चाट मसाला, इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून काली मिर्च और आधा नींबू का जूस और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर इसको अलग रख देंगे। स्प्रेड के लिए ले लेंगे दही, दही में ऐड करेंगे आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून चाट मसाला और इस स्प्रेड को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और बस ये यमी सा स्प्रेड रेडी है। बस दही में पानी अच्छे से निकाल दें, उसके बाद स्प्रेड बनाएं। और एक पैन ले लेंगे, पैन में ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और फिर जो चिकन मैरिनेटेड है उस चिकन को इसमें ऐड कर देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए या जब तक चिकन गल नहीं जाता इसको पका लेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है, चिकन गल चुका है। इसको फिर इसमें ऐड करेंगे चारकोल, चारकोल पहले ही हीट करने के लिए रख दें। इसमें ऐड करेंगे ऑयल या बटर और फिर इसको धुआं देने के लिए रख देंगे अलग से। आटा सेट हो चुका है तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। फिर इसके अलग अलग छोटी छोटी पीसेस कट कर लेंगे बराबर साइज में और फिर इसको अलग रख देंगे और इसको ढक के रखें, इसमें गीला रुमाल करके रखें वरना ये ऊपर से थोड़ा सख्त होने लगता है। तो इसको अलग से रख देंगे और इसका फिर लोई बना लेंगे और लोई लेके नॉर्मल सी एक लोई लेना है और जैसे रोटी बेलते हैं बस वैसे ही रोटी को बेलना है। रोटी ना ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी रखनी है, मीडियम नॉर्मल रोटी एक बेल लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून घी और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसमें ऑयल भी स्प्रेड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे सूखा आटा और फिर इसको एक साइड से कट कर देंगे और जिस साइड से कट करेंगे तो फिर एक साइड से उसी को वहीं से रोल करते हुए जाएंगे और नॉर्मल जैसे आप पराठा बनाते हैं ये उसी टाइप का है, बस ये थोड़ा लेयर्ड वाला पराठा होता है। तो फिर इसको एक लंबा से ऐसे पतला कर लेंगे और फिर इसको एक साइड से ऐसे टैप करते जाएंगे और फिर इसको एक साइड से रोल कर लेंगे और रोल करके इसको जो लास्ट कॉर्नर बचता है उसको सील कर देंगे और फिर बस ये लोई रेडी है। सेकेंड मेथड के लिए भी नॉर्मल एक लोई ले लेंगे और रोटी को बेल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे घी या ऑयल, इसको स्प्रेड करके इसमें ऐड कर देंगे आटा और फिर एक साइड से इसको इस तरीके से ऐसे मोड़ते जाना है और बस चारों साइड से इसको एक साइड से मोड़ते हुए दूसरे कॉर्नर तक लेकर आना है। फिर इसको लंबा सी ऐसे पतला करके इसको भी रोल करके सील कर लेंगे और सारी लोइयाँ बना के फिर रोटी को बेल लेंगे। और तवा गर्म हो चुका है, तवा में ऐड करेंगे रोटी और फिर दोनों साइड से इसको मीडियम आँच पे पराठे को रेडी करना है। इसमें ऐड करेंगे घी या ऑयल या बटर और फिर दोनों साइड से उसको मीडियम आँच पे सेकते जाएं और बस इसी तरीके से सारी पराठे को हम सेक लेंगे। सारे पराठा इसी तरह से सेक लेंगे और मीडियम आँच पे इसको सेकना है, ज़्यादा हाई फ्लेम रख के ना सेकें क्योंकि ये मैदे की रोटी है तो फिर इसको हाई फ्लेम पे ना सेकें। और हमारी चिकन भी रेडी हो चुका है तो उसका कोयला निकाल के इसमें ऐड करेंगे आधा लेमन का जूस और बस इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस ये रेडी है। तो फिर
अब हम अपना पराठा रोल बना लेंगे। तो इसमें ऐड करेंगे पहले स्प्रेड, फिर इसमें ऐड करेंगे चिकन, जितना आपको पसंद है उतना आप ऐड करें। ऐड करेंगे कांदे का सैलड, फिर इसमें ऐड करेंगे पुदीना और कोथमीर की चटनी, और फिर इसको एक साइड से रोल कर लेंगे। अगर ये सील नहीं होता तो आप इसको टूथपिक से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको टिफ़िन के लिए पैक करना चाहते हैं तो इसको फॉइल पेपर से पैक कर दें। और बस ये पराठा यमी सा रोल रेडी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है फ्रेंड्स, तो इस रेसिपी को ट्राई करके अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मे अल्लाह ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।